मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो सबसे पहले आज जो है TGT की जो कट ऑफ है उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। किस सब्जेक्ट की है तो आप जान सकते हैं, मैथ की जो है कट ऑफ उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। ठीक है, जैसा आपको पता ही है कि इसमें जो थी आपकी 5660 सीटें थी, और इसमें से आप मान सकते हैं कि जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें से जो है लगभग ये मान सकते हैं कि 50 से 60 हज़ार जो स्टूडेंट है उन्होंने आवेदन किए होंगे। उसमें से बहुत स्टूडेंट जो है मैथ वाले, उनका जो है इंग्लिश का जो है सेक्शन क्लियर नहीं हो पाया, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, और इसमें अब्सेंट भी काफ़ी रहे हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि आप इसमें से आधे 50% स्टूडेंट जो है निकल गए वैसे ही। तो ये मान के चल सकते हैं कि इसमें जो है कंपटीशन जो है वो 25K के यानी 25,000 स्टूडेंट के बीच ही है। तो अब जानते हैं कि इसकी कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है। इसमें जो है अब हम कट ऑफ वाइज बात करते हैं। तो जर्नल की जो कट ऑफ है, जर्नल की, वो जा सकती है 78+। ठीक है, उसके बाद OBC की जो कट ऑफ है, OBC की क्या जा सकती है, वो जा सकती है 75 के आसपास, एक नंबर कम या एक ज़्यादा, वो आप सभी समझ सकते हैं कि आसपास जा सकती है। EWS जो है उनकी क्या जा सकती है, तो उनकी जा सकती है 73 मार्क पे। और जो SC हैं, SC कैंडिडेट जो हैं जिनके भी 65+ हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। और ST कैंडिडेट जो हैं वो 60+, उनका जो है सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।